वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है के डे 31 यानी कि उसके फिफ्थ संडे कलेक्शंस के बारे में। कल मैंने आपको दोपहर में 2 बजे ही बता दिया था कि टाइगर जिंदा है का जो डे 30 था यानी कि उसका फिफ्थ सैटरडे, उसके कलेक्शन रात तक क्या आज सुबह तक भी नहीं आएंगे, और मेरी वो बात सही निकली। कल कलेक्शन किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किए। तो फ्रेंड्स, सैटरडे कि जो कलेक्शंस है यानी कि उसके डे 30 कलेक्शंस, वो आज 2 बजे पता चलेंगे। तो जब मैं आपको आज का यानी कि डे 31 फिफ्थ संडे कलेक्शन बताऊंगा, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है डे 30 को टाइगर जिंदा है ने कमाया 1.20 करोड़, और मैं यही बात पे मेंटेन रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइगर जिंदा है के डे 31 यानी कि उसके फिफ्थ संडे कलेक्शंस। मेरे हिसाब से इस फिल्म ने अपने फिफ्थ संडे को कमाया है 1 करोड़ 30 लाख रुपीज। यस फ्रेंड्स, कलेक्शन थोड़े बड़े हैं शाम शोज के वजह से, और ये फिल्म सक्सेसफुली 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लिया। तो फ्रेंड्स, अगर हम फ्राइडे का जो फिगर है जो अभी तक ऑफिशियल चल रहा है 330.53, उसमें अगर सैटरडे का 1.20 जोड़ ले और संडे का एक्सपेक्टेड अमाउंट 1.30 जोड़ ले, तो फ्रेंड्स टाइगर जिंदा है ने क्रॉस कर लिया है 333 का मार्क। अभी वो सिर्फ 7 करोड़ दूर है पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक वो आराम से 335 करोड़ क्रॉस कर लेगी। फिर फ्रेंड्स उसके साथ रिलीज होगी पद्मावत, तभी भी टाइगर जिंदा है को अच्छे खासे स्क्रीन मिलेंगे। अब देखना है कि टाइगर जिंदा है अपने लाइफ टाइम तक 340 यानी कि पीके का रिकॉर्ड तोड़ती है नहीं तोड़ती। तो फ्रेंड्स, डे 31 यानी कि फिफ्थ संडे के मेरे एक्सपेक्टेड फिगर्स है 1.30 करोड़। आज ऑब्वियसली ट्रेड काम कर रहा है तो फिगर्स जरूर आएंगे। सिमिया मेरा अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।